दोस्तों हर एक यूट्यूबर अपने अपने तरीके से और अच्छा थंबनेल बनाने की कोशिश करता है। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्लिकबेट होता है और फुल एचडी क्वालिटी में होता है, उतना ही ज़्यादा चांस बन जाते हैं उस यूट्यूबर की वीडियो पर व्यूज़ आने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वीडियो का वायरल होने में जो योगदान रहता है वो रहता है CTR का। तो CTR जब आता है, जब आपका थंबनेल है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, क्लिकबेट और उस पर जो लिखा है आपने उसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो। सबसे पहली बात आती है कि हम जो हमारी थंबनेल होती है उसका बैकग्राउंड का फोटो लेते हैं वो कहां से लें। हम हमारी वीडियो की जो बैकग्राउंड इरेज करते हैं तो उस टाइम वो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, तो उसको बरकरार कैसे रखें और कलर कॉम्बिनेशन का यूज कैसे करें, फॉन्ट के पीछे जो बैकग्राउंड लगाते हैं वो कैसे यूज करें, उसको किस तरीके से लगाएं। जब हम थंबनेल बनाते हैं तो हमारा फोटो कहीं भाग जाता है, कभी किधर भाग जाता है, उसको लॉक कैसे करें, कौन से फॉन्ट का किस जगह यूज करना है, हम गैलरी से हमारी जो इरेज की हुई फोटोज को कैसे चूज करें। तो इस वीडियो में मैंने इतनी छोटी छोटी और बारीकी सी चीज़ों को कवर किया है। आपको मैंने थंबनेल बनाने के लिए जो जो चीज़ें उपयोगी है उनका नाम भी बताया है, उनका कहां से आपको डाउनलोड करना है वो सब कुछ बताया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलेगी जो यूट्यूब पर एक वीडियो में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। बाकी इस वीडियो को लाइक करके यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि आगे भी यूट्यूब से रिलेटेड आपको वीडियोज मिलती रहे। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो थंबनेल बनाने के लिए हमको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें पहला है बैकग्राउंड इरेजर, दूसरा है पिक्सल लैब। तो बैकग्राउंड इरेजर पर यहाँ पर लोड ए फोटो ओपन होता है, तो यहाँ पर कोई भी फ़ोटो आप गैलरी से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, कोई सा भी एक, ठीक है, और पिक्सल लैब का भी यूज़ मैं अभी बताऊँगा। अब इसको मुझे बैकग्राउंड इरेज करना है, ठीक है, तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। ज़्यादा बैकग्राउंड हम नहीं रखेंगे, जो फोटो है उतना हम क्रॉप कर लेते हैं। अब क्रॉप करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है, इसमें बैकग्राउंड इरेज करने के काफ़ी सारे ऑप्शन दिए होते हैं। रिपेयरिंग का होता है कि ज़्यादा कट जाए तो उसको रिपेयर कर लो। ऑटो सेल्फ का मतलब होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, और मैजिक से भी आपको करके दिखाऊंगा। तो मैंने ऑटो सेल्फ पर क्लिक किया तो उसी टाइम पे ऑटो सेल्फी से क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया। अब कुछ बैकग्राउंड रह गया, उसको हम मैजिक से रिमूव कर देंगे, जैसा कि मैजिक पर क्लिक किया मैंने, और धीरे 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 इसको चारों तरफ से मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। अब बात आती है यहाँ पर कि छोटा मोटा जो बैकग्राउंड अगर गलती से ज़्यादा रिमूव हो जाए उसको कैसे रिकवर करना है, तो रिपेयर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। मैनुअल से आप धीरे धीरे रिमूव कर सकते हैं, मैजिक से क्या होगा आपका रिमूव फटाफट हो जाता है, ठीक है, और जूम करके भी आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रिपेयर करके भी आपको दिखा दूंगा। एंड जो ये ऐप है ये आपको प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, बैकग्राउंड इरेजर। अब इससे आप रिपेयर वाले ऑप्शन पर देखो, क्लिक करके ऐसे आप इसको रिपेयर कर सकते हो, यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और फुल HD में आपका ये बैकग्राउंड इरेज करता है फोटो का। तो काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब बात आती है कि ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको सेव कर लेंगे, डन पर ऊपर क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम चलते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन में, जिससे हम अपना थंबनेल बनाएंगे बहुत ही आसानी से। ये ऐप भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखा रहा है, इसको तो हम डिलीट कर देंगे। इस पर क्लिक करके, ए पर क्लिक करके, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे। अब बात आती है सबसे पहले थंबनेल की साइज़। तो ऊपर 3 डॉट पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद में ये कस्टम पर और यूट्यूब थंबनेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। बैकग्राउंड पिक की बात आती है, यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर या पिक कहाँ से चूज करें, तो दोस्तों इसके लिए मैंने स्पेशली आपके लिए टेलीग्राम का एक ग्रुप बना रखा है जिस पर 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। आप भी इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे टेक्निकल दोसा, तो इसमें आपको थंबनेल के बैकग्राउंड, काइन मास्टर की फाइल और सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थंबनेल के बैकग्राउंड भी मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर बटन मिल जाएगा और बैनर, लोगो, काइन मास्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, तो आप जाकर ज्वाइन कर लेना। टेक्निकल दोसा ग्रुप का नेम है। अब बात आती है कलर, आप खुद से बनाना चाहो बैकग्राउंड तो कैसे कलर देना है। तो यहाँ पर आपको कलर पर क्लिक करना था और इधर से आपको यहाँ पर जो भी मन करे वो कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप खुद से बनाना चाहो तो ग्रेडिएंट और कलर में से जो भी आप चाहो उस तरीके का यहाँ से आप बना सकते हैं। मैंने तीर का निशान लगाया है, उसको देख देख के आपको सीखना है। अब बात आती है तो मैं यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, गैलरी से जाकर ऊपर प्लस के निशान पर क्लिक करके।
तो यहाँ पर दोस्तों एक फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया और हमारा ये फ़ोटो है उसको मैंने फुल जो स्क्रीन है उस पर कर देता हूँ फटाफट से। उसके बाद में क्या करेंगे, हम ऊपर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके इसमें जो बैकग्राउंड इरेज किया था वो वाला पिक हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अब इसको लॉक भी करना मैं सिखाऊंगा ताकि ये हिले डुले ना, बार बार भागे ना, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर प्लस के आइकॉन पर क्लिक किया, गैलरी पर गया और यहाँ पर मैंने एक हमारा फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया। अब इस फोटो के चारों तरफ बहुत सारे लोग लाइनिंग लगा देते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, स्ट्रोक। ए पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह ले सकते हैं जो हम लिखना आपको सिखाएंगे थोड़ी देर बाद। अब इस पर हम स्ट्रोक देना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो भाई स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से स्ट्रोक लगा देना है। मैंने एक एक तीर का निशान लगाया ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अब यहाँ पर मैंने वाइट स्ट्रोक यूज़ करा है, ठीक है, आपका जो मन करे वो कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर इसमें ब्राइटनेस के लिए एक और लगाया है शैडो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको शैडो लगा देनी है। अब इसको लॉक कैसे करना है, ऊपर ये पट्टी वाला निशान है मैंने तीर लगाया उस पर जाकर वहाँ से आपको लॉक कर देना है, जो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। इस तरीके से आपको ये लॉक करना है। अब पेंसिल के आइकॉन पर आके नीचे ए पर क्लिक करके यहाँ पर आपको लिखना है, तो मैंने लिख दिया शॉर्ट्स फंड। अब इसमें हम कलर देंगे तो इस पर क्लिक करके शॉर्ट्स फंड पर क्लिक करके और अब यहाँ से हम कलर चूज करने वाले हैं, तो जो भी मन करे आपका वो फॉन्ट दे सकते हो, जो भी मन करे आपका वो यहाँ पर आप कलर दे सकते हो। तो मैंने फटाफट से ये दे दिया है, ठीक है, और इसको मैं वाइट ही रखना चाहता हूँ। बाकी इसका जो स्ट्रोक है वो लगा दूंगा ताकि ये उभरा हुआ दिखाई दे और साफ़ सुथरा भी दिखाई दे। तो फटाफट से हम ये कर लेते हैं, जो भी मन करे आपका वो कलर सेट कर लेना, यहाँ पर वाइट, ब्लैक, जो भी आपका मन करे, रेड वगैरह जो भी। तो मैं फटाफट से इस पर शैडो दे देता हूँ और थोड़ा सा इफेक्ट डाल देता हूँ ताकि ये उभरा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारा ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम जो भी ऐड करना चाहते हैं, कोई फोटो ऐड करना चाहते हैं, बैकग्राउंड रिमूव या कुछ लिखना चाहते हैं, तो प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके गैलरी में से सेलेक्ट कर लेंगे। और इसमें भी मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रोक दे दिया। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब आता है नीचे हम और भी लिखेंगे बहुत सारी चीज़ें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक बैकग्राउंड लेना पड़ेगा जिससे हमारा थंबनेल ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और इनको लॉक करने के लिए वही प्रोसेस है, ऊपर वो पट्टी पर क्लिक करके लॉक कर देना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से कोई भी शेप ले लेंगे। शेप लेने के बाद में दोस्तों ये शेप आ चुका है, आप कमन करें वो ले लेना। अब इसमें हमको कलर भी डालना पड़ेगा ताकि वो अच्छा दिखे और थंबनेल के अनुसार हम कलर चूज करेंगे। तो ये शेप मैंने सेलेक्ट करा, इसका साइज मैंने छोटा बड़ा कर लिया। इसके बाद में इसमें हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी ऑप्शन में नीचे आपको कलर देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर मन करे वो कलर यहाँ पर ले चुका हूँ, ठीक है, और मैं राइट के निशान पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही राइट के निशान पर क्लिक करूँगा अब हमको और भी इसके ऊपर जो फॉन्ट लिखना है वो लिख सकते हैं फटाफट से। मैं लिख देता हूँ फटाफट से, जो भी मन करे आपका वो आप यहाँ से लिख लेना। तो मैं यहाँ पर जो भी फॉन्ट है ऊपर वाले फॉन्ट को कॉपी करके और यहाँ से मैंने वो फॉन्ट चूज कर लिया और मैं अब वो फॉन्ट फटाफट यहाँ पर जो भी लिखना है मेरा मन कर रहा है वो यहाँ पर मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो लिख दिया और कितने व्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दोस्तों ये फॉन्ट लिख लिया है, इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, नीचे उसी फॉन्ट को कॉपी कर लिया हमने, ठीक है, और अब कितना व्यूज़ पर कितना क्या मिलता है वो मैं सारा थंबनेल पर जो भी लिखना था लिख लिया। अब मैंने एक स्क्रीनशॉट भी ऐड करना था साइड में, वो भी मैंने कर दिया। अब इनको लॉक करना चाहो तो वहीं से आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद में दोस्तों ये कम्प्लीट हमारा थंबनेल बन चुका है। अब हम ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद में कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी कर देंगे। अब इससे क्या कि हमारा फुल HD में थंबनेल सेव हो चुका है गैलरी में। अब देखो मैं गैलरी में आ चुका हूँ और उस थंबनेल को जूम कर करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं फट रहा है और आपका शानदार थंबनेल सेव हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप थंबनेल बना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं एक प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ एडिटिंग से रिलेटेड, जिसमें थंबनेल, वीडियो की एडिटिंग और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है जो एंड स्क्रीन में भी आपको दिख रही होगी। उस पर क्लिक करो और आपकी चैनल के लिए बहुत सारी यूजफुल वीडियोज़ हैं उनको देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।